पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप ADB की हेल्प से अपने एंड्रॉयड फोन से कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप या फिर जिसे आप ब्लॉटवेयर ऐप भी कहते हैं उसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कई केसेस में देखा जाता है कि अलग अलग फोन मैन्युफैक्चरर के हिसाब से आपको कुछ एरर आ सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है ADB की हेल्प से जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था उससे आपकी जो ऐप है वो डाउनग्रेड वर्जन में चली जाए लेकिन रिमूव ना हो, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अगर आपको ये एरर शो होता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अगर आपकी ऐप रिमूव नहीं हुई है आपके सिस्टम से, आपके एंड्रॉइड सिस्टम से, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी पुराने वीडियो में डाउट थे, यानी कि अगर आपको किसी तरीके का एरर आया हो या फिर ऐप रिमूव नहीं हुई हो, तो इस वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा जो भी हमने सेटिंग्स पिछले वीडियो में करी थी, सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन कुछ स्टेप्स जो आपको एक्स्ट्रा फॉलो करने पड़ सकते हैं ब्लॉटवेयर ऐप्स को रिमूव करने के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम में। तो गाइस सब कुछ वैसा का वैसा है, हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है, हम उसी फोल्डर में जिसमें हमारी adb.exe की फाइल है, यानी कि ADB को जहां से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो यहीं पर हमें कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करना है। तो मैं जस्ट एड्रेस बार में गया, CMD टाइप करा, एंटर बटन प्रेस करा और कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, ADB स्पेस डिवाइसेस से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस कनेक्टेड है नहीं है, अगर कनेक्टेड होगी तभी यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डिवाइस यहाँ पे शो करेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे शो कर रहा है, दैट मीन कि हमारा जो फोन है वो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ डेटा केबल, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसके बाद एक कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे, ADB स्पेस शेल स्पेस PM स्पेस लिस्ट स्पेस यूजर्स। ये कमांड हमें बताएगी कि जो हमारा एंड्रॉयड डिवाइस है उस पर कितनी यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड है, ये जानना जरूरी है अगर आपको किसी तरीके का एरर आता है और उसको ट्रबल शूट करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमें बता रहा है यहाँ पे यूजर इन्फो ब्रैकेट में 0:honor:C13 और जो स्टेटस है वो रनिंग। ठीक है, तो यानी कि एक ही यूजर हमारे सिस्टम पे है जिसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, और ये हमें ध्यान रखना है आगे के प्रोसेस के लिए। तो ये मैं उस केस में आपको बता रहा हूँ, सपोज कि आपकी कोई ऐप अनइंस्टॉल नहीं हो रही है या फिर आपको एरर आता है। तो एरर आने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी हो पैकेज नेम लिखने में, तो वो अभी आपको सब फिगर आउट हो जाएगा इस वीडियो की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम शेल में चलते हैं, ADB स्पेस शेल यहाँ पे टाइप करते हैं और एंटर बटन दबाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोन में और यहाँ पर वापस से एक पैकेज हम यहाँ पे पूरा देखते हैं, PM स्पेस लिस्ट स्पेस पैकेज, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे फोन में जितने भी टूल्स एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। आज हम दूसरी ऐप को टारगेट करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में GPay यानी कि गूगल पे को किया था, तो आज की डेट में अगर आप मेरे फोन में ऐप ढूंढेंगे तो गूगल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आज आपके लिए दूसरी ऐप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, जो कि गेट ऐप्स यहाँ पे ऐप है। आपने जो भी लोग MI Xiaomi के यूजर्स होंगे तो उनको पता होगा कि गेट ऐप्स ये जो ऐप है ये आपके फोन में बाय डिफॉल्ट आती है, प्री इंस्टॉल्ड आती है, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसी के नाम से इसको फिल्टर करके देखता हूँ, क्या जो मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट आई है इसमें गेट एप्स नाम से कोई कीवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे पैकेज मैनेजर की हेल्प से PM स्पेस लिस्ट स्पेस पैकेजेस स्पेस ग्रैप स्पेस गेट एप्स यहाँ पे लिखा और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी। जब मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला कि यहाँ पे कोई ऐप नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आउटपुट मेरे पास पैकेज का यहाँ पे नहीं आया है। तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए पिछले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आप पैकेज मैनेजर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं जिसमें आपका काम और आसान हो जाता है, उसमें आप एंड्रॉयड ऐप ना इस नेम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम रहेगा पैकेज नेम व्यूअर। ओके, तो इससे आप पैकेज नेम का पता लगा सकते हैं आपके फ़ोन में जितने भी पैकेज इंस्टॉल्ड हैं। तो मैंने जब इस ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल किया, आप भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है, इससे आपको सभी पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैंने इस पैकेज को इंस्टॉल किया और ओपन किया, और ओपन करने के बाद उसमें गेट ऐप्स सर्च किया। जब मैंने गेट ऐप्स सर्च किया तो मुझे जो पैकेज नेम यहाँ पे मिला वो एकदम डिफरेंट था, उसमें कीवर्ड ही नहीं था गेट ऐप्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ऐप्स का जो पैकेज है नेम, पैकेज नेम है नीचे आप देख सकते हैं com.xiaomi.mipics। ठीक है, तो अगर मैं mipics सर्च करता तो मुझे मिलता, गेट ऐप्स से नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे इस बार mipics से मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। मैंने फिर से यहाँ पे कमांड लिखी PM स्पेस लिस्ट स्पेस पैकेजेस और इसके बाद सेपरेटर लगाया ग्रैप स्पेस mipics। जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पे इस बार मुझे पैकेज यहाँ पे आउटपुट में मिल गया है, पैकेज कौन सा है, com.xiaomi.mipics। तो यहाँ पे इस कीवर्ड से मिल रहा है, दैट मीन कि ये कीवर्ड अवेलेबल है इस लिस्ट में।
अब एग्जिट आते हैं इससे बार, जो प्रोसेस मैंने आपको पिछली बार बताया था वीडियो में उसी को फॉलो करते हैं। एग्जिट आने के बाद एडीबी से इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। एडीबी स्पेस इंस्टॉल स्पेस जो पैकेज नेम है अपना com.xiaomi.mipics वो यहाँ पे लिखते हैं और एंटर बटन दबाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे सामने एरर आ गया, फेलियर एरर आ गया, डिलीट फेल्ड इंटरनल एरर। अब ये एरर क्यों आया ये हमें फिगर आउट करना है, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि IDB इसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, दूसरी बात ये कि हो सकता है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो चलिए हम चलते हैं शेल में वापस से, हम शेल की हेल्प से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस बार कमांड लिखी ADB स्पेस शेल स्पेस PM स्पेस लिस्ट स्पेस यूजर्स, वापस से कमांड लिखी आपको यूजर बताने के लिए कि हाँ हम मेरे एंड्रॉयड सिस्टम के कितने यूजर्स हैं। तो यहाँ पे सिंगल यूजर है और उसका इंडेक्स है 0। तो इस पर्टिकुलर यूजर की हेल्प से हम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ADB स्पेस शेल यहाँ पे टाइप किया कमांड और एंटर बटन दबाया जिससे कि मैं शेल में पहुंच जाऊं एंड्रॉयड के। और यहां पर अब मैंने यहां पे कमांड टाइप करी PM स्पेस अनस्टॉल स्पेस डबल हाइफन देन यूजर स्पेस 0 क्योंकि 0 इंडेक्स था देन स्पेस जो पैकेज नेम है com.xiaomi। यहां पर लेकिन मुझे फील हुआ कि मैं जो स्पेलिंग है Xiaomi की वो गलत लिख रहा हूं, XIAOMI है ना कि XIOMI। और जब मैंने थोड़ा सा ऊपर देखा कमांड में तो मैंने जो फर्स्ट कमांड थी ADB वाली वो भी गलत लिखी थी, यानी कि जब मैं कमांड गलत लिखूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एरर आएगा। तो एक बार हम वापस से फर्स्ट कमांड स्टेप में चलते हैं, यानी कि ADB के थ्रू जब हम अनइंस्टॉल कर रहे थे उसमें चलते हैं जिससे कि हम सही स्पेलिंग के साथ देख पाएं कि हाँ क्या आउटपुट आता है, क्या एरर आता है या फिर वो जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होती है। और शेल से बाहर आता हूँ और एग्जिट दबा के एग्जिट कमांड लिख के और उसके बाद वापस से ADB अनस्टॉलेशन कमांड यहाँ पर लिखता हूँ। ADB स्पेस अनस्टॉल स्पेस जो पैकेज है इस बार स्पेलिंग से ही लिखता हूँ com.xiaomi.mipics। ठीक है, यहाँ पर अभी भी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, इसको सही करता हूँ XIAOMI, ये सही स्पेलिंग है। आप चाहें तो पैकेज से मैच कर सकते हैं। तो ये सिली मिस्टेक थी जो हो गई थी और जिसकी वजह से एरर भी आया और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो एरर आएगा ही आएगा, ऐप रिमूव नहीं होगी। तो ये फर्स्ट लर्निंग है हमारी, तो आपको भी स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अब मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सक्सेस भी आ जाता है, लेकिन सक्सेस दबाने के बाद यहाँ पे गेट एप्स रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे हमें एक और मिल रही है हमें कि जरूरी नहीं है कि ADB से आप यहाँ पे कोई ऐप रिमूव कर पाए। तो इसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए अब हम चलते हैं शेल में। ठीक है, ADB स्पेस शेल हमने लिखा और एंटर बटन दबाया। एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पे आप आ गए शेल में, कर्टाना में, यानी कि आपके फोन के शेल में। अब आप अपने फोन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे PM स्पेस अनइंस्टॉल स्पेस डबल हाइफन यूजर उसके बाद स्पेस आपके यूजर का इंडेक्स। अब अगर आपके पास यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, अगर 0 है तो 0 लिखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके एंड्रॉयड फोन में 1 ही यूजर है तो यहाँ पे 0 ही आपको मिलेगा। देन उसके बाद स्पेस देंगे आपके पैकेज का नेम विद करेक्ट स्पेलिंग com.xiaomi.mipics मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर बटन दबाया। अब एंटर बटन दबाने के बाद सक्सेस हो गया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गेट एप्स यहाँ से रिमूव हो गई है, यानी कि ऐप हमारी यहाँ से चली गई है। अब ये ऐप परमानेंटली गई है या नहीं गई है, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन थे पिछले भी वीडियो में और ये स्वाभाविक है क्योंकि काफ़ी सारे जो वीडियोज़ हैं YouTube पर उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो यहाँ पर मैं आपको फिल्टर करके ही बताता हूँ, जो पैकेज मेरे फ़ोन में ऑलरेडी है क्या उनमें MIPICS अभी भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे अपने एंड्रॉयड के शेल में आ गया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट में लाता हूँ, सारे पैकेजेस आ गए। अब इनमें से फिल्टर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे PM स्पेस मैंने यहाँ पे लिखा PM स्पेस उसके बाद लिस्ट स्पेस पैकेजेस स्पेस सेपरेटर ग्रैप स्पेस MIPICS। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पर कीवर्ड का यूज लिया और एंटर बटन दबाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार कोई आउटपुट नहीं है मेरे पास और गेट एप्स जो ऐप है जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप थी मेरे Xiaomi के फोन में इसमें वो कम्प्लीटली रिमूव हो गई और यही हमें चाहिए था। तो गाइज आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी और इसके बाद आपको कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और देखते रहें बस्टी टेक। धन्यवाद, जय हिंद।